रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। हमारे जीवन और कर्मों का विवरण रामायण में दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और उनकी जीवन यात्रा को बताया गया है। हम में से ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी का तो पता है, लेकिन रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं रामायण के इन रहस्यों के बारे में। नंबर एक, रामायण के 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। नंबर टू, राम जी और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। राम जी के माता पिता और उनके भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम जी की एक बहन भी थी। उनकी बहन का नाम शांता था। वे उम्र में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। जब बातचीत के दौरान राजा दशरथ को ये मालूम हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता का बहुत प्यार से पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर थ्री, राम जी तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे? राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके बाकी भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमश भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर फोर, सीता जी के स्वयंवर में रखे गए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि राम जी का सीता जी से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उसमें भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर फाइव, लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम जी और सीता जी सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से विनती करके वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी भी नींद ना आए, ताकि वो अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर छह, उस जंगल का नाम क्या था जहां राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान रुके थे? राम जी, सीता जी ने लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए थे और राक्षसों के राजा
रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से ज्यादातर लोगों को उस वन का नाम नहीं पता होगा जहां उन्होंने वनवास काटा था। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ है सजा देना और अरण्य का अर्थ होता है वन। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें आज के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा हिस्सा लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता जी के अनुरोध पर राम जी हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वो हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय मारीच राम की आवाज में रोता है। ये सुनकर सीता जी लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण जी सीता जी को अकेले छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर वो तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता जी से अनुरोध किया कि वो इस रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई बाहर से इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण राक्षसों का राजा था। बचपन में वो सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। नंबर 9, इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही बड़ा था। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा खाना खाता था। रामायण में बताया गया है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और वापस 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग लें। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग लें। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 10, रावण को पता था कि वो राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग नफरत करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता जी के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना, तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। ये सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वो देवता हैं
तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 11, राम जी ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी ने पृथ्वी के अंदर समाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।